सच्ची में भाई निकलना पड़ेगा भाई। भाई मतलब घोस्ट हंटर ने ढूंढ लिया है भाई, इधर सच में है भाई। भाई मैं आपको मतलब बता नहीं सकता भाई, मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। जय चल 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 गोलू, गोलू चल, चल जल्दी गोलू, चल जल्दी गोलू, जल्दी भाग 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 भाग। सो हेलो गाइज, नमस्कार, जय सिया राम। मैं फिर से आ गया हूँ नए ब्लॉग के में। तो ये वाला ब्लॉग भाई लोग सबसे अलग ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं आ गया हूँ किधर किधर। तो सीन चेक करो गाइस, देखो मतलब देख सकते हो भाई लोग, मैं आ गया हूँ पहाड़ियों में, पहाड़ में आपको सैर कराने। कहाँ पे आ गए हैं गोलू? आज मैं आसमानों के ऊंचाइयों पे। ये बोलता है आसमान के ऊंचाई में, भाई तू पहले ढंग से अपना चड्डी खोलना और पहनना सीख जा, समझा? फिर आसमान के ऊंचाई में तू चढ़ना। हाँ ठीक है क्या गोलू, कहाँ पे है? हम पहाड़ पे भाई, तू आसमान की ऊंचाई पे कहता है चड्डी पहनना सीख, पहने अपना गांव दिख रहा है मतलब आसमान। ओ अच्छा, तो इसका कहना है दोस्तों कि गांव दिख रहा है तो हम लोग आसमान के ऊंचाइयों पे। कोई ना, चलेगा, पहले अपना चड्डी पहनना सीख। अभी भी तेरी मम्मी चड्डी पहनना सिखाती है, मुझे पता है। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों बहुत ही कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि हम आपको ले के जाने वाले एक बंगले में। वो भाई ऐसा ओसा बंगला नहीं है, वो है एक प्लान बाय का बंगला। तो आप समझ रहे हो प्लान बाय का मतलब क्या होता है? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उधर बहुत ह्यूमर फैला हुआ रहता था कि प्लान बाय का बंगला, प्लान बाय का बंगला वो क्या रहता है। तो हम वही आपको आज दिखाने जा रहे हैं, प्लस अपना स्कूल भी दिखाएंगे फिर से एक बार, और उधर दिखाएंगे हम प्लान बाय का बंगला। उधर तो क्या रहस्य है, हम दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमने बहुत दोस्तों से कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोल दिया, क्योंकि भाई मतलब है ही वो इतना ख़तरनाक जगह, नहीं मतलब बोल दिया। तो आज हम लोग जा रहे हैं, मैं और इसका नाम है गोलू, ये मेरा छुटकू सा बुटकू सा दोस्त है, आसमान के ऊंचाइयों में चढ़ना चाहता है। ठीक है, उसको भी चढ़ा देंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सीन में, आपको दिखाएंगे। हे गाइस, तो हम लोग मतलब ढूंढ दे चुके हैं नेशनल बर्ड को, नेशनल बर्ड यानी पिकॉक को। तो देख सकते हैं वो वहाँ पे बैठा हुआ है मेरे ठीक सामने, मैं आपको जूम इन करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये दोस्तों, तो उनसे भी थोड़ा इंटरव्यू लेंगे हम कि आपको जंगल में रहने का एहसास कैसा लगता है, क्या हम लोग भी आपके तरह रह सकते हैं जंगल में? नहीं। तो चलो मिलते हैं, कुछ आवाज़ मत करना गाइज, वो हमको देख के भाग रहा है, लेकिन हम उसे भागने दे देंगे, आपके लिए ज़रूर दिखाएंगे हम। शांत शांत भाई, वो कहाँ जा रहा है भाई? मत भाग यार, मत भाग भाई। वाव यार ब्रो, आप सीन चेक कर सकते हो ब्रो, कहाँ गया? हे मोर चाचा, इधर आओ यार। भाई वो भाग रहा है, तो आप बोलिए हम उसके पीछे जाए कि नहीं। चलिए एक बार देखते हैं, उसे सामने से मतलब कैमरे में लेने का ट्राई करेंगे। मोर दीदी, मोर चचा बोल रहे, वो मेल रहता है, मेल पागल, कौन से स्कूल में पढ़ता है? अबे यार उसका नाम भाई, चलो 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 भाई, भाई लोग मतलब अबे शिकार नहीं तो मैं। हेलो भाई, भाग भाग रहा है भाई, भाई 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 भाई, ओ माय गुडनेस ब्रो, हाउ इट इज़ ब्यूटीफुल। ओ ये हमसे डरो मत, हमसे डरो मत। स्टॉप 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 इन द लेम और फ्लॉप। क्या बोला तूने? क्या बोलते यार, उधर देखो वो मोरनी भी है। किधर? ओ हाँ उधर देख, उधर देख, उधर मोरनी भी है भाई। भाई 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 लोग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई लोग, मतलब मोर इतना सुंदर और मोरनी इतनी बसूरत क्यों होती है? क्योंकि जंगल में मेकअप नहीं रहता, इसलिए मोरनी इतनी बसूरत रहती है। आप मोर को देख लो, मोर के देख लो, आ हा हा हा, वेरी ब्यूटीफुल। और वो उधर मोरनी को देख लो आप,
ये दुख दर्द पीड़ा मतलब क्यों नहीं खत्म होता मोरने के लाइफ में। ठीक है, आपको दिखाते हैं मेरे सामने ही, ठीक सामने वो बंगला है। अरे भाई ये बंगले में। A few moments later. Hello guys, जहाँ हमने आपको बताया था उस जगह पे आ गए, तो ठीक मेरे पीछे वो मतलब जगह है और सामने ये मेरा स्कूल है भाई। भाई तो देख सकते हैं मेरे ठीक सामने ये स्कूल है। तो मतलब ह्यूमर क्या फैलता था पता है, स्कूल में सब स्टूडेंट बोलते थे भाई ये बंगले में एक प्लान बाई रहती है, प्लान बाई रहती है। प्लान बाई का मतलब भाई एक जो मतलब बाई है वो सबको यहाँ पे खींच के लेके आते हैं और यहाँ पे मतलब मार देती है वो सबको, इसलिए इसका मतलब बंगले का नाम पड़ गया था प्लान बाई। तो देखते हैं हमें प्लान बाई इसमें मिलती है या नहीं मिलती है। तो गोलू क्या हाँ? सीन होगा, मिलेगी कि नहीं प्लान बाई मिलेगी? मुझे तो डर लग रहा अंदर से, अंदर से। क्यों रे? कोई नहीं है भाई। ब्रो तू शेर है इसलिए मैं इसको लेके आया था, लेकिन इसका पहले ही फट चुका है। तो भाई देखते हैं ये वाला मतलब सीन चेक करो भाई, कितना मतलब ब्यूटीफुल प्लेस है। देखो ये देखो आगे मतलब गार्डन भी है, अंदर गार्डन भी है भाई। भाई प्लेस ऑसम है, तो बताना ये जगह को खरीदूं कि नहीं मैं, क्योंकि मुझे तो ब्यूटीफुल है लेकिन फट जाएगी। मुझे तो डर लग रहा है बहुत, अंदर देखते क्या सीन होता है। चल गुलू भाई, ये आप मेरे सामने ठीक साइड में वही बंगला है जिसका मैं बात कर रहा था। भाई लोग लिटरली भाई कसम से बता रहा हूँ बहुत डर लग रहा है। अभी मन में हनुमान चालीसा याद आ रहा है। भाई चले अंदर, तैयारी के साथ हो चले अंदर। तो भाई चल घुस अब पहले। अरे इतना सा जगह में मैं कैसे जाऊँगा? तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं ऊपर करूँ? कर तो भाई। देखो हम जा रहे हैं अंदर, देखना में? आ जा, मैं करता हूँ ना, आ जा इधर देखना। हाँ हाँ तो भाई भाई मेरे को नहीं लगता कि इधर कोई रहता नहीं है। अंदर से घबराहट से फील हो रहा है। अच्छा है। भाई मतलब सीन देख सकते हो ये वाला सीन कैसा है भाई, मतलब गजब यार। Thank you.
भाई लोग आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ प्लान भाई के बंगले में। ये बंगला भाई इतना मतलब सुंदर है ना, लग रहा है भाई मैं खरीदने का मन कर रहा है, लेकिन भाई इधर कोई रहता नहीं है। तभी भी भाई मतलब ये प्लेस इतना मतलब साफ और सुरक्षित, भाई मतलब अपने आप में ही होना बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो ये भाई, ये सीन चेक करो भाई, ये क्या है भाई, ये आपको देख के समझ ही आ गया है। तो ये क्या है, ये है गाइस एक मकबरा, जो मतलब मरने के बाद कबर कर देते हैं ना, वो ये है भाई। चेक करो, मैं आपको आगे से एक बार दिखाऊंगा ये सीन। सीन चेक करो गाइस, भाई मतलब कतई जहर भाई, आई डोंट बिलीव इट मैन। अंदर से एक बार देखे बोलो, अंदर से एक बार देखे भाई। मैं आपको घर का अंदर का भी सीन दिखाऊंगा, दिखाना चाहता हूँ। भाई क्या कतई जहर, भाई इतना डर लग रहा है। सामने इधर आ, इधर भाई मतलब मैं सुनता हूँ कि इधर एक डेली वॉचमैन आता है, वही इसका साफ़ सफाई करके जाता है, लेकिन वो कभी भी घर के अंदर नहीं जाता भाई, इधर गार्डन से आके वो चला जाता है। चेक करो गाइस, चले गोलू अंदर तो अभी हम जा नहीं सकते हैं, लॉ के अंदर गाइस। भाई क्या ही गजब सीन है यार, ऑसम गाइस ऑसम। दिल खुश फेफड़ा उदास हो गया भाई इधर आके, लेकिन अभी कितने देर तक दिल खुश रहेगा वो तो मुझे भी नहीं पता है। ये ब्रिज दिखाई, देखो ये क्या है, ये है ब्रिज, छोटा सा प्यारा सा बुटकू सा ब्रिज। देखो गाइस फक इट ब्रो, भाई मतलब बहुत डर गया था मैं। मतलब ये प्लेस आप विजिट कर सकते हो भाई, कितना ओपी प्लेस है भाई, मतलब कतई जहर प्लेस है, लगता ही नहीं है भाई इधर ये इतना प्लेस सालों से बंद है। लगता है भाई, मैंने दिखाया आगे से पीछे से, मतलब लगता ही नहीं है भाई ये बंद है प्लेस। दिल आ गया यार इधर से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए कि सब बोलते कि एक बार इधर आ गया तो वो प्लान बाई के जाने नहीं देती है। अबे भयंकर सही बोल, झुलवा उलवा मत बोल भाई, तो वो झुलवा हिल रहे हैं। भाई कसम से भाई वो हिलते ही जा रहा है भाई। भाई अभी नहीं लगता कि हम ये इधर पे रुकेंगे, तो ठीक है भाई चेकआउट करना प्लेस। अबे चल चल जल्दी भयंकर भाई, भाग बे, अबे भाग बे। भाई लिटरली पट गई, पट गई भाई, पट गई।
किधर से किधर से भागेंगे, उधर से जहाँ से आए हैं। भाई देखो ये रोड देखो, सीन चेक करो भाई। भाई अभी हम निकल रहे हैं, अभी हमारा यहाँ पे देर रुकना भाई सही नहीं है सच में। निकल रहे भाई, प्लान भाई का बंगला आपको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। भाई कोई दिखा मुझे पीछे में, भाई निकलना पड़ेगा भाई। भाई मतलब घोस्ट हंटर ने ढूंढ लिया है भाई, इधर सच में है भाई। भाई मैं आपको मतलब बता नहीं सकता भाई, मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। जय चल 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 गोलू गोलू चल गोलू चल जल्दी गोलू चल जल्दी गोलू जल्दी भाग 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 ब्रो भाग ब्रो कसम से भाई 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 शपथ भाई कसम से भाई, अभी एक मिनट भी इधर मैं नहीं रुकने वाला हूँ भाई सच में। भाई घोस्ट डिटेक्टर ने मतलब इधर कर दिया है भाई है। अबे भाई वो ऐप कितना जेन्युइन है वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसको भाई रेटिंग 4.2 का है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में, तो मैं तो नहीं बता सकता। मैं आपको एक सीन और बता रहा हूँ, अभी हमने जो भूत डिटेक्ट किया वो कितना सच है कितना झूठ है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम इसलिए उधर नहीं रुके क्योंकि सिर्फ मैं और ये बंदा था भाई। इसको कुछ मेरे को हुआ तो कुछ चलेगा, लेकिन भाई इसके पेरेंट्स मुझे भाई काट डालेंगे भाई सच में। तो भाई ये ब्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे और भाई आगे मैं उधर नहीं रह सकता। तो भाई ये वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारा ये वीडियो में बहुत ही मेहनत लगा है इतना दूर से आना, वो भी भाई ये बंदे को लेके। भाई ये मतलब पॉसिबल नहीं था। तो भाई यही मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही मस्त कंटेंट मैं लेके आते रहूँगा नया नया, आप समझ रहे हो भाई। अगर आप चाहते हो कि मैं ये बंगले को और अच्छा से एक्सप्लोर करूँ और अच्छा से मतलब बताओ ये बंगले के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम ग्रुप लेके ज़रूर इधर आएंगे भूत गोस्टर के साथ इधर डिटेक्ट करने कि इधर सही में है कि नहीं। तो ये जल्दी से जल्दी ये वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब भाई कर देना। आपके लिए मैं इतना मेहनत करके भाई वीडियो बनाते हो, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, बुरा लगता है भाई। तो हम लोग जा रहे हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गोलू जय सियाराम, जय सियाराम।